हे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज हम लोग बैठे हुए हैं कन्ने, ये सामने जो है ये बिल्डिंग है क्राजिन का, मेन मेडिकल बिल्डिंग है ये, और इसके सामने आपको पार्क है, बड़ा सा पार्क है, और कुछ दूर पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है ये। तो ये पूरा कैंपस क्राजिन का ही है। तो इस बार आए हुए हैं सुधीर कुमार, जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हुआ है अभी क्राजिन में, इनसे कुछ बात करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा और लाइफ स्टाइल कैसा है खारगी में। चलिए सुधीर भाई, ये जो है इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, भी स्टैचू इनका यहाँ पे है, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है मेडिसिन में। बिल्डिंग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा कैंपस है इनका। तो चलिए सुधीर भाई से देखें कुछ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए इधर सुधीर भाई, तो बताइए इन लोगों को एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा आपका? एडमिशन प्रोसेस नॉर्मल रहा, बस दो दिन। आपका लाइक एडमिशन लेटर कितने दिन में आया हुआ था? हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर आ गया। और उसके बाद हम अप्लाई किए थे इन्विटेशन लेटर के लिए, तो 4 से 5 दिन के अंदर वो आ गया था। उसमें टाइम लगा, वो लेटर आता है आपको मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मिनिस्ट्री में आपको डिपेंड करता है कि कितना बच्चा अप्लाई किया है, उसके ऊपर हिसाब से वो आता है, तो उसमें 4 से 5 दिन में टाइम लग जाता है। बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस आता है वीज़ा। वीज़ा में कितना टाइम लगा सिर्फ? वीज़ा मेरा नॉर्मल वीज़ा था, तो 1 month 25 days के आसपास। मतलब कि वर्किंग डेज में आपका 15-20 वर्किंग डेज लगता है, जो आपको नॉर्मल डेज 25 days लग जाता है वहाँ पर आने में। उसके बाद इन लोगों का फ्लाइट बुक हुआ, फ़्लाइट हम लोग बुक कराए हुए थे, फ़्लाइट बुक हुआ, और इनके आने के बाद यहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीविंग, हाँ रिसीविंग सब हुआ इनका। और वहाँ से हम लोग जो भी है गोवा स्काई एजुकेशन का जो हम लोग लाते हैं, जो ग्रुप हमारा है, वो इनको एयरपोर्ट से रिसीव करता है, और बाकी वहाँ से आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेके आता है। यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड करता है, वहाँ से आपको बस में खाने पीने का जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, खाने के लिए भी दिया जाता है, जो भी आप डायरेक्ट उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आया जाता है। बाकी जो है इनका सेटलमेंट सब कैसा रहा आपका यहाँ पर? सही है, यूनिवर्सिटी लाइफ ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हाँ क्योंकि कोरोना है तो आपको पता है कि ज़्यादा सही से पढ़ाया नहीं जाता है, और ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर इनका क्लियर हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास चलेगा तभी पता चलेगा कैसे टीचर है कैसे। फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, और एक्सेप्ट करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर से ऑफलाइन हो जाएगा। वही है कि अभी ऑफलाइन जब ये कोरोना का जो सिस्टम है ना, करंटिंग लेकर ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो इसके थोड़ा परेशानी तो आ ही रहा है स्टूडेंट को, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में। अब सेकेंड सेमेस्टर होपफुली स्टार्ट होगा ऑफलाइन, तो बेटर सब कुछ ठीक हो जाएगा मोस्टली। और ऐसे आप तो हमारे फ्रेंड थे, ये हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, ये हम लोग असल में इनका था, हम लोग मिले हुए थे आकाश दिल्ली में मिले हुए थे, वहाँ से हम लोग प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मैं थोड़ा नहीं, असल में इनको पहले ही आ चुके हैं, मैं यहाँ पे अभी 4th year में हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो इनको मैं बोला एजेंट से मैंने मिल चुका था, पापा चाहते थे कि कुछ अच्छा एजेंट आया उससे एडमिशन हो। एक्चुअली मैं फेसबुक चलाता नहीं था, इन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज किया था लगभग 1 year पहले, मैंने ओपन करके देखा तो इनका मैसेज था, तो फिर मैं इनसे बात की तो मुझे पता चला कि ये तो यूक्रेन चले गए। असल में दिक्कत है इनका पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स को लोग लगता है कि लेंदी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को फ्रॉड हो जाता है, तो इसके लेकर मैंने इनको समझाया, बहुत बताया कि एक था पहली बात तो 3 साल से ये वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, 3 साल से नीट का प्रिपरेशन करना, पैसा खर्च हर साल कम से कम 2 से 3 लाख रुपये खर्च हो जाता है कोचिंग और रहने उने का, वो पैसा यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जाए, तो ज़्यादा बेनिफिट। मैं 2 साल आकाश में रहा, वहाँ पे मुझे कम से कम 5 से 6 लाख रुपीज़
वेस्ट हो गए थे, पैसा तो अलग बात है, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो फिर हमें डिसाइड किया कि होने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने बाहर आया। और बाकी अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, तो इनका टाइम वेस्ट हुआ बहुत सारा। पर क्या बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये क्राजिन है, क्राजिन मतलब ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारे कोर्स इसमें पढ़ाए जाते हैं, मतलब कि आपको एमबीए, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, मेडिसिन सब कुछ है इसमें। तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। बाकी जो है इसके पीछे एक और यूनिवर्सिटी है, खारकी मर्दन यूनिवर्सिटी, तो उसको आप दिखाते हैं वो यूनिवर्सिटी कैसा है, फिर चलते हैं वहाँ पर। चलो सुधीर भाई चलते हैं फिर, बताइए गर्मी लग रहा है यहाँ पे? मैं सोच के आया था यार यहाँ पे ठंड होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो काफ़ी गर्मी है, ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया में काफ़ी गर्मी है। नहीं, जब सुधीर भाई आए हुए थे यहाँ पे तो उनको उस टाइम बहुत ठंड था, मतलब कि कौन सा अप्रैल में आए हुए, तो उस टाइम ही मतलब स्नो चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा था, तो इनको लगा कि अब कहाँ फंस गए हम लोग। इनको ऐसा लगा था कि यहाँ पे गर्मी होता ही नहीं होगा, मतलब कि पूरा साल भर ठंडी होता होगा, ऐसा लग रहा था ना। बाकी जब गर्मी पड़ी यहाँ पे तो अभी 30 मैक्सिमम अभी तक 30 डिग्री गया हुआ है, और 30 डिग्री में ऐसा गर्मी लग रहा है, मतलब कि हम लोग कैप लगा कर चलना पड़ रहा है। तो गर्मी भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंड पड़ता है, यूरोप में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये क्राजिन का बिल्डिंग है पीछे, मतलब इसका पीछे साइड, और इसके सामने अब स्टार्ट होगा खारकी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको पीछे मतलब ये जो बिल्डिंग था, इस रोड क्रॉस करके आपको उस साइड में क्राजिन है, और इसके रोड के इस साइड आपको खारकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे कंट्री के अलग अलग स्टूडेंट आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट कम से कम 100 फ्लाई होगा यहाँ पे। तो सुधीर भाई आपको कौन सा सिटी पसंद है, खारकी या क्राजिन? दोनों बेस्ट है। नहीं, कोई तो एक लेना होगा ना, चूज़ करना होगा कौन सा सिटी। अभी तो फिलहाल मैं बीएन में हूं, तो क्राजिन का आप सपोर्ट करते हैं? क्राजिन अच्छा है। हाँ ठीक ही है, दोनों बीएन क्राजिन यूनिवर्सिटी है, खारकी मिशन यूनिवर्सिटी। और मैं तो बोलूँगा मतलब कि मेरे लिए तो ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इसका एक रीज़न यही है कि मतलब जो क्राजिन यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही वास्ट है, लाइक आप समझो ऐसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको इंजीनियरिंग, एमबीए जो भी मैनेजमेंट हो गया, मेडिसिन समझिएगा, आपको मेडिसिन तो ऐसा नहीं है डी यूनिवर्सिटी में, समझिएगा डी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन भी रहता सपोज कीजिए, और बगल में एक दिल्ली एम्स है, तो आप किसे चूज़ करते हैं? मोस्टली आपको दिल्ली एम्स ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो स्पेशली मेडिसिन के लिए है। और बाकी जो है जैसे क्राजिन है, क्राजिन में आपको इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट और मेडिसिन, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ इस खारगिब को, कि देखिए कोई भी जगह आप जा रहे हैं तो एक इन्वायरमेंट होता है, पूरा यूनिवर्सिटी में आपका एक इन्वायरमेंट है सिर्फ मेडिसिन के लिए, तो मैं प्रीफर इस यूनिवर्सिटी ज़्यादा करता हूँ खारकी को। तो ये बता रहा था कि इस यूनिवर्सिटी से आपको लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू किया हुआ था डॉक्टर कृष्णा साहिद को, तो उनका वीडियो यहाँ मैं लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। तो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे वो, और लाइक यूट्यूब पे उनका सब्सक्राइबर एटलीस्ट मोर देन 40K है। So those who have seen the interview of Dr. Krishna, like I have taken the interview last year and it's uploaded on the YouTube. I will link here, you can see it. So he has studied from this university, Kharki Mission Medical University, and right now he has more than 40K subscriber.
एंड इवन इंडियन स्टूडेंट वॉचेज दिस वीडियो. सो वाइल यू आर स्टडिंग हियर ही यूज टू मेक वीडियोज ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी लाइक मेनी टॉपिक्स कवरिंग द मेडिसिन एंड इवन ही आल्सो टीचर द स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रॉक. लाइक क्रॉक एग्जाम इज क्रॉक वन एंड क्रॉक टू. क्रॉक वन इट्स गिवेन इट्स टेकन बाय द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड द थर्ड ईयर एंड क्रॉक टू इट्स when you complete the 6 year you have to give the croc 2 and then you get the your degree diploma. so to kahne ka matlab ye hai ki agar dr krishna sahit apna dream pura kar sakte hain to aap bhi kyun nahi kar sakte. like instead of wasting time and money in india you better come to here and study in this university. it's far better instead of wasting money and time in the coaching like paying at least 2-3 lakhs per week, per year. So yeah. I'm saying if he can achieve his dream then you can also achieve your dream. like instead of wasting your time in money in India you can come here and study here. so like I also wasted at least 5-6 lakh in 2 years and I got nothing. so I decided to it's good like you can achieve your dreams. First guy is African, maybe Indian. This girl, the statue. तो यूक्रेन में एक फ़ायदा है. यूक्रेन में स्पेशली खार्किव में फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादातर जो ये ना जैसे आप समझिए कि एक कोटा जैसा होता है कि हम लोग कोटा जाते हैं राजस्थान में पढ़ने के लिए कोचिंग करने के लिए नीट का. वैसे यहाँ पर मतलब कि स्टूडेंट हब है. यूनिवर्सिटी तो स्टूडेंट रहेंगे ही. आपको एक हब है मतलब कि पढ़ाई जो होता है एक पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है यहाँ पे है कंपटीशन बना रहता है. लाइक आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में देख लीजिए. डॉक्टर कृष्णा साहित के अलावा भी बहुत सारे अभी 15-20 स्टूडेंट होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं पढ़ाई लिखाई के लेकर जो मेडिसिन से लेकर रिलेटेड. तो एक कंपटीशन सा है जैसे अपना यहाँ भी कंपटीशन होता है एक एग्ज़ाम पास करना वैसे कंपटीशन सा है. तो एक MBBS करना है फॉरेन से तो मैं डेफिनेटली खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है. कंपटीशन जहाँ भी रहेगा तो आप पढ़ाई करोगे. तो मे बी इन फ्यूचर सुधीर भाई भी एक वीडियो बनाए मेडिसिन से रिलेटेड. लाइक कंपटीशन जहाँ भी आता है तो पढ़ाई आदमी करता है. एक माहौल है यहाँ पे रहने का मतलब यही है. तो जो भी आप लोग अगर एडमिशन लेने का अगर आपको लगता है तो आप आ सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग. बाकी जो आप कुछ मैसेज देना चाहें सुदीप भाई लोगों का मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आप जब भी आओ इन्हीं के थ्रू आओ क्योंकि बाकी मैं काफ़ी स्टूडेंट के थ्रू मैं सुना हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल में रहता हूँ तो काफ़ी के साथ लाइक बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है. इनको ये शेयर कर रहे थे एक बच्चा जो है इनको 2-3 बच्चे जो उनको एयरपोर्ट से ही इंडिया भेज दिया गया था क्योंकि वो लोग ऐसे किए होते कि एजेंट के अकाउंट में उन्होंने पैसा मंगा लिया और एजेंट इनको पैसा नहीं दे पाया. बाकी वो लोग जैसे कि यहाँ पर एयरपोर्ट पे आए हैं तो एयरपोर्ट पे आपको कम से कम $4,000 आपके बैग में होना चाहिए आपके पॉकेट में होना चाहिए तो आपको एंट्री देंगे यूक्रेन में. तो उनके साथ ये हुआ कि वो एजेंट को दे दिया पैसा बाकी उनके पास कुछ था नहीं इसलिए उनको वापस भेजना पड़ गया था और फिर से वो अभी आए हैं तो अभी तक उसका एडमिशन हुआ नहीं है. तो ये सब फ्रॉड होता रहता है तो ये सब बचने के लिए. और बाकी जो है सुधीर भाई मस्त हैं क्योंकि इनका काम बहुत कम में हुआ और पढ़ रहे हैं यहाँ पे. सो दैट्स ऑल लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी एंड क्रॉसिन सो आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो एंड बुक योर सीट. That's all.